जो बिकाऊ लोग हैं पूरे देश को ही गद्दार साबित करने पर आमादा हैं। धीरे धीरे शुरू कर दिया है, लेकिन पब्लिक ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज सोमवार के दिन आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये खबर दे रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़ी ताजा खबर है, क्योंकि जैसा कि कल एक घटना हुई सोशल मीडिया पर, सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर, संपादक, पत्रकार, जिनको तिहाड़ी भी बोला जाता है, उन्होंने कल एक भद्दा वीडियो अपना डाला अपने प्रोग्राम में। उन्होंने दिल्ली वालों के विवेक पर सवाल उठाए, दिल्ली वालों को एक तरह से पाकिस्तानी कहने की कोशिश उन्होंने की। दिल्ली के लोग, वो मतदाता जिन्होंने मतदान किया था, उनको सुधीर चौधरी ने किसी और रंग में ही रंग दिया। उन्होंने विवेक पर तो सवाल उठाए ही, उनकी अकलमंदी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने धारा 370, राष्ट्रीय मुद्दे, शाहीन बाग जैसे मुद्दों को उनकी प्राथमिकता ना बता करके उन पर ये आरोप लगाए गए कि दिल्ली की जनता बस फ्री में सब कुछ चाहती है। इस तरह के वीडियो की जो डाला गया, इस तरह का जो प्रोग्राम उन्होंने दिया अपने चैनल में, उसकी सोशल मीडिया पर बड़ी जमकर आलोचना हुई। आलोचना के बाद यहां तक बात सीमित रहती तो चलो मान लिया जाता कि यहां तक ही बात सीमित रहेगी, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ गई जब दिल्ली स्थित जी न्यूज के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और सुधीर चौधरी को कूट पीट दिया गया। उनकी तस्वीर, जो चोट आई है उनकी नाक पर, कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि उन्होंने पत्रकारिता की नाक कटवा दी। अब दोस्तों वो दिन दूर नहीं जिस तरह के ऐसे चाटुकार पत्रकार जनता के गुस्से का शिकार होंगे, तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। जब सीधे सीधे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे वो लोग देशभक्त, और जो वोट ना दें वो देशद्रोही हो गए, उनके लिए वो पाकिस्तानी हो गए। पहले तो केवल एक आदमी को गद्दार या देशद्रोही या पाकिस्तानी बोला जाता था, अब ये चैनल के लोग, ये वो लोग जो बिकाऊ लोग हैं पूरे देश को ही गद्दार साबित करने पर आमादा हैं। धीरे धीरे शुरू कर दिया है, लेकिन पब्लिक ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। कैसी लगी सुबह की खबर, इस पर अपने रिएक्शंस देना मत भूलिएगा दोस्तों, केवल आपका आजाद हिंद न्यूज आपके बीच में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। फंस गए।